नमस्कार मित्रों, टेक्निकल राकेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, देख रहे हैं जैसा कि मेरे पास ये डीडी फ्री डिश का एमपैक टू रिसीवर है। दोस्तों, ये पूरी तरह से डेड है। चलिए मैं आपको इसको लाइन दे के चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, तो पहले चलिए दोस्तों मैं इसको जल्दी के साथ ओपन कर लेता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इसके चारों स्क्रू को ओपन कर दिया है और सीधे ही मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसको हम साइड रख देंगे बॉक्स को। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसको, ये पूरी तरह से डेड है, मैं पहले आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने इसको लाइन दे दिया है और मैं जो है आपको इसके एसी वोल्टेज चेक करा देता हूँ, यहाँ तक एसी वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, 240 वोल्ट के लगभग यहाँ पर हमें वोल्टेज आ रहे हैं एसी। तो यानी कि इसमें लाइन आ रही है और ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से दोस्तों डेड है। तो चलिए अब मैं जो है इसकी लाइन निकाल देता हूँ। और मित्रों, पहले जो है हमें इसको इसके फ्यूज को चेक करना है। दोस्तों, ये जहाँ पर ये फ्यूज लगा होता है इसके अंदर, मैं जो है पहले इसको चेक करूँगा। देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों, इसको चेक करने का तरीका, इसको मैं मल्टीमीटर से इस बड़े वीप बारे मोड पर रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं इसको चेक करूँगा तो ये कोई भी साउंड नहीं दे रहा है। इस तरह से इसको बीप देनी चाहिए। देखिए जैसा कि, तो ये बिल्कुल ख़राब है, ओपन हो चुका है। तो मैं जो है इसमें दूसरा फ्यूज लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ये न्यू फ्यूज है और मैं इसको देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि ये रीडिंग दे रहा है तो ये बिल्कुल सही है। तो मैं जो है इसको इसमें डाल देता हूँ। अब मैं जो है इसको फिर से लाइन दे के देखूँगा कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसने फिर से जो है फ्यूज को उड़ा दिया है, जैसा कि यहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट हुआ। तो इसने जो है फिर से फ्यूज को उड़ा दिया है। चलिए मैं इसको दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें आगे और कुछ फॉल्ट है, देख सकते हैं ये हमारा फ्यूज ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, इसको तो हम जम्पर लगा देंगे। चलिए फ्यूज को तो बाद में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें इस चारों डायोड को चेक करना है, क्योंकि ये दोस्तों ओपन होंगे, शायद ये ओपन हो गए होंगे। दोस्तों, ये डायरेक्ट हो जाते हैं बीप साउंड, इसको जो है रीडिंग देनी चाहिए। अगर ये बीप साउंड देते हैं तो ये ख़राब है। तो पहले मैं इन चारों डायोड को चेक करूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बीप साउंड दे रहा है, तो ये बिल्कुल ख़राब है। देख सकते हैं दोनों तरफ से साउंड नहीं देनी चाहिए बीप साउंड, ये भी दे रहा है दोस्तों, ये भी बीप साउंड दे रहा है। तो मित्रों, चलिए मैं इसके जो चारों डायोड को जो है जल्दी के साथ इसको निकाल देता हूँ। और इसमें आप जो है IN4007 का डायोड लगा सकते हो, वही इसमें लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इनके चारों डायोड को पहले जो है इसके बदल देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने ये चारों डायोड ख़राब थे तो मैंने इन चारों को निकाल दिया है। और इधर आपको ये सिल्वर कलर वाला ये प्लस का निशान है, ये माइनस का है। इसको जब मैं इसमें दूसरे डायोड लगाऊंगा तो इस बात का आप भी लगाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि मैं इसमें जो है दोस्तों इस पुरानी पावर सप्लाई की इन चारों डायोड को निकाल दिया है मैंने। और इनको दोस्तों चेक भी कर लेना है आपको, कहीं ये पुराने वाले डायोड आपके ख़राब ना हो। मैंने इनको अच्छे से चेक कर लिया है, जैसा कि इसमें सिल्वर कलर वाला निशान है, तो इधर प्लस, इधर इसके यहाँ पर भी ये वाइट निशान बने हुए, इधर इसका सिल्वर निशान करना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी के साथ इसके चारों डायोड लगा कर फिर इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं जल्दी के साथ लगा दूँ। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने इसके चारों डायोड को डाल दिया है, अब मैं जो है इसमें फ्यूज लगाऊँगा। ये दोस्तों इस जम्पर मार देंगे हम फ्यूज के लिए, जैसा कि इसका फ्यूज कट गया था, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने इसको फ्यूज लगा दिया है,
तो चलिए अब जो है हम इसकी सीरीज लाइन देख देखते हैं। मित्रों इस वीडियो में बस इस TD53 डिस्क का इतना छोटा फॉल्ट था जो कि मैंने आपको दिखाया। दोस्तों ये TD53 डिस्क बिल्कुल ओके हो चुका था, मेरे से इसका वीडियो जो है वो डिलीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।